सोची में मनाली आ चुका है, अंदर में -10 degree टेम्परेचर है, हम हिल रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, इग्लू के अंदर आ जाइए। पूरा बर्फ है, ये जो वाइट वाइट है ना, ये पूरा बर्फ है। हाथ मेरा एकदम ठंडा हो गया है। आइए बाहर। जैसा लग रहा है कि कश्मीर में पहुंचे हुए हम लोग। It's so amazing, so fun, I like it very much. कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाथ कांप रहा है, ग्लव्स खोल के आप रह नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश। और मैं हूं अमनदीप। तो दोस्तों, जैसे ही रांची में कुछ नया खुला है तो हम लोग आपको लेकर आ चुके हैं, और यहां पे खुला है स्नो लैंड, जहां पे अंदर में क्या है बादल, कश्मीर और मनाली की फीलिंग्स आने वाली है। अंदर में बर्फ ही बर्फ है, एकदम कश्मीर और मनाली का फील आएगा। और ये जगह कौन सा है बादल? ये है टोनको, बगल में टोनको ब्रिज है। जी हाँ, यहाँ पे टोनको ब्रिज है, ये रिंग रोड है, पास में आपको बायोडाइवर्सिटी पार्क भी मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही एंजॉय करने के मूड में है। और आज कितना तारीख है बादल? आज है 3 मार्च और आज ही हुई है इस ओपनिंग। जी हाँ, तो आज ओपनिंग डे है और सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक की टाइमिंग है। और पीछे में है टिकट काउंटर, तो फटाफट आइए टिकट लेते हैं और आपको ले चलते हैं अंदर। टिकट काउंटर के पास लेके चलते हैं और पता करते हैं कि एक आदमी का टिकट का दाम कितना है। आइए हमारे साथ। दोस्तों, बगल में एक रेस्टोरेंट भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टिकट काउंटर है। और ये देखिए स्नो लैंड, आज ओपनिंग डे है तो पूरा एकदम यहाँ पे सजावट किया हुआ है। एक आदमी का 800 है, पर हेड 800 रुपया। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने टिकट ले लिया है और एक आदमी का टिकट का प्राइस है 800 रुपीज़, 800 रुपया है और 1 घंटा आप रह सकते हैं। तो चले अंदर। बिल्कुल, चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर घुसते हैं। और ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट, ठीक है। और काफ़ी भीड़ भाड़ है, आज पहला दिन है, 3 मार्च है आज। इधर खाने का सिटिंग एरिया है और अंदर में लगता है इसी के अंदर स्नो लैंड है। तो चले अंदर। बिल्कुल। और हम लोगों ने शूज़ पहनना है, तो शूज़ यहाँ पे उतारना है, शायद अंदर कॉस्ट्यूम मिलेगा। हाँ, साथ ही साथ अगर आपके पास बैग्स वगैरह कुछ भी है तो यहाँ पे सबमिट कर ली जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अंदर लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि अंदर किस तरीके का माहौल है। चलिए, तो शूज़ यहाँ पे खोल लेते हैं हम लोग। शूज़ खोल लिया है और यहाँ पे बैग दिया जाता है। ये बैग शूज़ रखने के लिए मिलता है मैम? यस। तो यहाँ पे हम लोग शूज़ और इसको अंदर लेके जाना है। यहाँ सबमिट हो जाएगा। अच्छा, चिट स्थान में मिलेगा। अच्छा, चिट मिलेगा इसके लिए। हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ सबमिट हो जाएगा और हम लोग खाली पैर अंदर चलेंगे। हाँ। चलिए अंदर चलते हैं। बादल, उधर क्या बच्चों का है, किड्स का है? आपके साइज़ का जैकेट्स मिलेगा, उसके अलावा आपके साइज़ का बूट्स दिया जाएगा, फिर आपको ग्लव्स दिया जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री में आपको सॉक्स दिया जाता है। अच्छा, फिर वो हाँ, वापस करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है? नहीं, सॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो सॉक्स को आप एज अ गिफ्ट ले जा सकते हो। अच्छा। हाँ जी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए, यहाँ पे आपको सब साइज का ड्रेस मिलेगा। तो अभी हम और बादल दोनों को ड्रेस लेने जा रहे हैं, है ना बादल? बिल्कुल। तो इस कपड़े में कपड़े ख़राब हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्रेस दिया जाता है। और चलिए देखते हैं कि ड्रेसेस में क्या क्या मिल रहा है। और यहाँ पे सारे साइज का रखा हुआ है। और ये देखते हैं, यहाँ पे शूज़ है ताकि पैर ज़्यादा ठंडे ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए शूज़ है। यहाँ पे ग्लव्स आपको मिल जाता है, सॉक्स मिल जाता है और एक बड़ा सा जैकेट, सारे साइज के जैकेट्स। हाँ, नीचे लोअर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप कोई कंफर्टेबल सा जो भी आप पैंट पहनना चाहते हो वो पहन सकते हो। बादल जींस पहना है, हम तो ट्राउज़र पहने हैं। तो फटाफट से हम लोग चेंज करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं चेंज करने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ स्नो लैंड में बहुत सारे लोग आए हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो हमारे रांची में कुछ नया खुला है, कुछ अलग खुला है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ऐसा रांची में कुछ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एडवेंचरस हो गया। बस ये अनएक्सपेक्टेड था रांची में, एकदम अनएक्सपेक्टेड था, अनबिलीवेबल चीज हो रहा है। जब तक अंदर नहीं जाते तब तक विश्वास नहीं होगा, अभी तक नहीं हो रहा कि सच में एकदम शिमला मनाली वाला माहौल मिलने वाला है। और अभी तो गर्मी आ चुकी है, कह सकते हैं मार्च का महीना आ चुका है, तो एकदम चिलचिलाती हुई धूप और पसीने से अगर राहत पाना चाहते हैं तो ये जगह सबसे परफेक्ट होने वाला है। तो अब अंदर जाने के लिए रेडी हैं हम लोग? तो दोस्तों हम लोग भी जल्दी से चेंज करते हैं और आपसे मिलते हैं अंदर। ठीक, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हर साइज का ड्रेस मिल जा रहा है। और हेलो, आपका नाम क्या है? भावना गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं? रांची। रांची से? हाँ। तो ये जगह में आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रांची में ये पहली बार खुला है, कुछ नया है, क्या कहना चाहेंगे? सबको आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। तो ये बहुत एक्साइटेड हैं और देख सकते हैं हर तरह का ड्रेसेस आपको मिल जाता है यहाँ पे पहनने के लिए। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ और जस्ट हम लोग अब अंदर जाने वाले हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ है। तो दोस्तों देखिए हम लोग अंदर जाने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड। ओह वाओ, ये एंट्री हो गया। हाय, नहीं नहीं आपका वीडियो देखते हैं हम कभी कभी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ हाँ, मेरा बगल अंदर बहुत कोई है। हाँ हाँ, चलिए खोलिए। लेकिन जल्दी ढुकना होगा, जल्दी एंट्री करना होगा सर। हाँ, जल्दी एंट्री करना होगा, जल्दी से। हाँ, ओहो, एक बार देख करवा लीजिए, देख लीजिए। माय गॉड, दादा जल्दी आओ, माइक ले लो, माइक ले लो, माइक गिरेगा तो सही ना। चुके हैं मनाली में, हम लोग मनाली में है, ये रांची में मनाली आ चुका है। अंदर में -10 डिग्री टेम्परेचर है, हम हिल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इग्लू और वो सब कुछ। चलिए अंदर चलते, एंजॉय करते हैं। सच में बहुत ठंडा लग रहा है। लगा तो बहुत ठंडा लग रहा है, बाप रे -10 डिग्री टेम्परेचर है। पूरा स्नो है, और थोड़ा ऊपर चढ़िए सर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बर्फ का घर इग्लू है और इसके अंदर, चलिए अंदर चलते हैं इग्लू के अंदर, आ जाइए। ओहो हो, यहाँ थोड़ा सा गर्मी है तो ये देखिए यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं। वाह, बर्फ में। और ये सच में पूरा बर्फ है, ये जो वाइट वाइट है ना, ये पूरा बर्फ है। हाथ में एकदम ठंडा हो गया है। आइए बाहर, बाप रे। तो चलिए दोस्तों बाकी लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा है? हाँ, पूरा ठंडा लग रहा है ना? ठंडा ही नहीं है, बहुत ठंडा है। सच में बहुत ठंडा है, ठंडा जैसा लग रहा है कश्मीर में पहुंचे हुए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैम लोग से पूछते हैं, मैम कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, जैसे श्रीनगर में हमें आऊं। सच में, और सबको यहाँ पे स्लाइड करो, कैसा लगा मैम? It's so amazing, so fun, I like it very much. आप आए और सभी लोग आए और आकर के इसका एंजॉय लें। कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए हम लोग भी स्लाइड करते हैं। हटिए।
बहुत ठंड है सच में। ठंड इसलिए है कि रांची में हम लोगों ने स्नो लैंड देखा है। कर रहे हैं, मेरा हाथ कांप रहा है, ग्लव्स खोल के आप रह नहीं सकते हैं। तो अभी हम लोग दोनों ऊपर जा रहे हैं स्लाइड करने के लिए और ऊपर से स्लिपरी वाला है। चलो बादल क्या हुआ, बर्फ घुस गया। अरे मेरा पूरा पैर में बर्फ घुस गया है। तो इधर से ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से। अंदर जा रहे रास्ते से। हाय, पकड़ लिए है। और ये भैया आप सबको छोड़ते हैं ना? हाँ छोड़ते हैं। चलिए स्लाइड करते हैं। चल, ओ माय गॉड। मस्त है। जूता गिरा है ना? तो सारा कुछ यहाँ पे जमा हुआ रहा है। और तो दोस्तों हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और चेंज वन कर चुके हैं हम लोग और अब लगी है जोरों की भूख। और यहाँ पे बगल में एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम स्नो ड्रॉप है, उसका नाम स्नो लैंड है। तो अब है खाने की बारी और जैसा कि हम लोग खाना आप लोगों को दिखाते ही हैं, तो चलिए अंदर रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा अंदर में रेस्टोरेंट भी है। कैसा लगा बादल? बहुत काम, बहुत पीस, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे साथ साथ इस स्नो एक्टिविटी के साथ साथ आप खाने का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे मेन्यू कार्ड है जिसकी पूरी फोटो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अभी हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं और खाने के साथ मिलते हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत भूख लगी हमें। और हमें ज्वाइन करेंगे हमारे कुछ और भी दोस्त जो कि आ रहे हैं, तो खाने पर मिलते हैं हमारे दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों देखिए हमारा खाना आ चुका है और हमें ज्वाइन किया है एक झारखंड वाला ने। हेलो 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 हेलो। और यहाँ मनीष। हेलो मनीष। तो आज हम लोग सारे लोग मिलके अभी खाने खाने वाले हैं और ये लोग भी अंदर गए थे। कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस? अंदर काफ़ी बढ़िया है, रांची के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है और इन्जॉय किया हमने। अब हमारी वीडियो आएगी उसके बाद लोग इतना क्राउड बहुत क्राउड आने वाला है तो। और फूड वगैरह अभी हम लोग आए हैं, अभी ट्राई करेंगे। अभी हम लोग सबको मिल के खाने वाले हैं और खाने में बहुत कुछ आया है। जैसे हम लोगों के पास ये पनीर चिल्ली, इसका प्राइस है 250 रुपीज़। बेबी कॉर्न चिल्ली का प्राइस है 280 रुपीज़। पनीर कढ़ाई का प्राइस है 280 रुपीज़। दाल मखानी का मखनी दाल मखनी का 190 रुपीज़। सॉरी आई एम फूड नॉट फूड ब्लॉगर। और हॉट गुलाब जामुन आपको 70 में दो पीस मिलेगा। हॉट गुलाब जामुन का 70। और चॉकलेट मिल्क शेक का 110 रुपीज़। तो तुमको क्या लगता है, मतलब इस एरिया में इस प्राइस में ठीक है, इस एम्बियंस में डिसेंट गुड है? क्योंकि देखिए अगर लोग अंदर अंदर इंजॉय करके आते हैं तो 200-300 से नीचे ही सब कुछ से नीचे ही है। हाँ, तो एवरेज ठीक है। ठीक, एवरेज ठीक है। हाँ अच्छा राहुल, एक चीज़ पूछना था। जैसे मेरे से भी बहुत पूछा जाता है कि आप इतना खाते हो पर मोटे नहीं होते हो, तो तुम इसके लिए क्या कहोगे? देखिए खाइए, जी भर के खाइए और बहुत भाग दौड़ कीजिए, मेहनत कीजिए। लोगों को दिखता है कि ब्लॉगर लोग बस खाते हैं और उसके पीछे कितना भाग दौड़ होता है लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे अभी हम लोग शूट करने के लिए आए हैं, रांची से कितना दूर है? होगा कम से कम 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर राउंड। और आए हैं और एक शॉट जो दिखता है कि हाँ ये एकदम इंजॉय करने वाला शॉट है, उसके पीछे हम लोग का इतना सरदर्द होता है, तो वो सरदर्द हम लोग का वजन कम कर देता है। बिल्कुल। तो अभी हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, बस हम लोग खाना खाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि खाने का टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो हम लोग पूरा मस्त इंजॉय करने वाले हैं यहाँ का फूड। और मतलब कि यहाँ पे तो अब वैसे बता दिया था मैंने कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो ये रेस्टोरेंट एरिया है। शुरू किया जाए, राहुल शुरू हो चुका है। चलो मनीष, रांची में पनीर चिल्ली आइए दिखाते हैं। काम करा रहे, बांटो पांच जगह बांटो। मेरी घरेलू पर्सन। तुम इतना स्पीड खा गए? मेरा बहुत स्पीड में खाने के मिला था, 30 सेकंड में पूरा भी तो करता है। जूली 3 2 1 गो।
देखते हैं कितने जल्दी ये ख़त्म कर पाते हैं इस ड्रिंक को। एक झारखंड वाला का चैलेंज है, इस पूरे ग्लास को देखते ही देखते पूरा समाप्त कर दिया। ओह माय गॉड, ये क्या था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, कैसा लगा बाद? बहुत मजा आया। और इस जगह का नाम है टोनको, जो कि रिंग रोड में है, बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास में, और इस जगह का नाम है स्नोलैंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी खूब मजा किया होगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और एक बार जरूर विजिट करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिएगा नीतीश एंड कुजीन।